हमें ये बताया गया है कि जो ललंस कोचिंग क्लासेस जो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स चलाते हैं क्लास 11 और 12 के लिए। जब क्लास 11 और 12 की हम लोग बात करते हैं तो ये CBSE से रिलेटेड होता है और इसमें जो है नीट और मेडिकल के लिए कोचिंग दी जाती है। साथ ही साथ दूसरा अगर हम लोग इंजीनियरिंग विंग में कहेंगे तो NEE 1 और NEE 3 के लिए प्रिपेयर किया जाता है। साथ ही साथ JEE के लिए यहाँ पर यानी इंजीनियरिंग क्लासेस के लिए यहाँ पर कोचिंग ली जाती है। और आप नेरिस में भी दाखिल लेना हो तो ये इंस्टीट्यूट जो है आपको नेरिस के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। और हमें ये भी बताया गया कि यहाँ पर जो है जो ड्रॉपर्स होता है ड्रॉपर्स वेच है क्लास 12 जो पास आउट होता है उनको जो है नीट और JEE के लिए यहाँ पर जो है कोचिंग दी जाती है। यहाँ का जो प्रिंसिपल का हमें ये उन्होंने मुझे ये बताया। और ये जो है ललंस कोचिंग क्लासेस जो है उन तमाम बच्चों के लिए जो है सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए खोला गया है और आने वाले समय में ये जो है और अच्छा बच्चा जो है हमारा अरुणाचल से जो है प्रोडक्ट कर सकता है। और ये भी बताया गया है कि इनका जो है फर्स्ट बैच जो है इस बार ख़त्म होता है और अभी जो चल रहा है ये दूसरा बैच है। आगे आपको जानकारी यहाँ का ललंस जो कोचिंग क्लासेस उसके बारे में जब मैं बताता हूँ, यहाँ जो है जो मेंटरिंग और जो मॉनिटरिंग जो है स्टूडेंट को करना इसको जो है काफ़ी ध्यान दिया जाता है, यानी यहाँ का टीचर का कहना है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर जो है जो फैकल्टी मेंबर होता है वो परमानेंट नहीं होता या फिर फुल टाइम नहीं होता है। और ये बताया गया कि ललंस कोचिंग क्लासेस जो है फुल टाइम टीचर्स को रखा हुआ है, ऐसे यानी जो जितना भी जो फैकल्टी है वो जो है फुल टाइमर है। साथ ही साथ ये है मेंटर्स होता है, मेंटर्स की जब बात करते हैं केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है, बाकायदा ये जो है जो टीचर्स पढ़ाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाता है उनके लिए भी मेंटर्स रखना बहुत ज़रूरी है। और ललंस कोचिंग जो क्लासेस ये जो है उन तमाम टीचर के लिए जो बच्चों को पढ़ाता है उनके लिए यहाँ पर मेंटर्स का भी सुविधा दिया हुआ है। ये मेंटर्स जो है कोटा, दिल्ली और मुंबई से बुलाया जाता है और वो जो फुल टाइम जो है इस इंस्टीट्यूट को जो है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर टीचर को जो है मेंटरिंग करता है, यानी कौन टीचर किस प्रकार पढ़ाया जाता है उसको जो है फिर अलग से एक मेंटर रखा हुआ है जो कि 35-40 ईयर्स जो क्लासेस लेने के लिए एक्सपीरियंस है या फिर टीचर बन चुके हैं उनको जो है यहाँ पर टीचर के लिए मेंटर्स रख दिया गया है। आगे हम लोग इसकी सुविधा के बारे में बात करेंगे तो ये ललंस जो है कोचिंग क्लासेस है यहाँ पर जो है लड़की बच्ची और लड़कों के लिए जो है हॉस्टल की सुविधाएं दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर दो बिल्डिंग है जहाँ पर मैं अभी हूँ ये जो है यहाँ पर केवल क्लासेस ली जाती है और दूसरा जो बिल्डिंग उस पर जो है हॉस्टल की सुविधा है, ऐसे मुझे बताएगा। मतलब सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग जो है हॉस्टल्स यहाँ पर दिया हुआ है। और साथ ये भी बताया बहुत खास है सेपरेट जो हम लोग बोलते हैं बैच फोर, मतलब बोलते हैं ना कि जब भी स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है स्टूडेंट का जो है तीन कैटेगरी होता है, एक जो है बहुत स्पीड से सीखता है और दूसरा जो है एवरेज होता है और तीसरा जो है स्लो होता है, उनको ध्यान में रखते हुए इस ललन जो कोचिंग क्लासेस में जो है पास लर्नर के लिए अलग और यहाँ पर एवरेज लर्नर्स के लिए अलग और स्लो लर्नर्स के लिए अलग अलग स्टूडेंट का जो है कैटेगराइज किया गया है और उनको जो है जो स्लो लर्नर होता है उनको जो है पास लर्नर के साथ किस प्रकार कम्पीट करना है उन चीज़ों को यहाँ पर सिखाया जाता है, हमें टीचर ने ये बताया। साथ ही साथ यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस है और उसके बाद जो हम लोग बोलते हैं ना टैबलेट की जो है सुविधाएँ दी गई है, क्योंकि टैबलेट आज के समय में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं उन यहाँ में जो है बच्चों के लिए टैबलेट की बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसमें समय की बचत होता है और पढ़ाई में भी जो है तेजी आ सकता है। तो इसको जो है जब स्मार्ट क्लास और टैबलेट की जब हम लोग बात करते हैं अभी हर दुनिया में जो है इस प्रकार का जो है स्मार्ट क्लास और टैबलेट का जो बच्चों को जो है ऑफर किया जाता है ताकि वो जो कम समय में जो है जल्द पढ़ सके, इन चीज़ों को ध्यान दिया गया है। आगे हम लोग यहाँ का जो है ललंस जो कोचिंग क्लासेस है उनके क्लासरूम के बारे में थोड़ा आपको हम दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्लासेस किस प्रकार जो है बच्चों के लिए बनाया हुआ है। आज के समय में स्मार्ट क्लास में पढ़ना बच्चों को एक ये हमेशा ये रहता है कि स्मार्ट क्लासेस किस प्रकार होता है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे उस समय स्मार्ट क्लासेस के हम लोग मतलब कभी हम लोग सोचते नहीं थे कि स्मार्ट क्लासेस कैसे होता होगा। तो अभी हम स्मार्ट क्लासेस के बारे में आपको थोड़ा सा हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो है ललंस जो कोचिंग क्लासेस है यहाँ पर बच्चों को जो है स्मार्ट क्लासरूम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ब्लैक बोर्ड है जो आज के समय में जिस प्रकार बच्चों को पढ़ाया जाता है जिसमें मतलब जो जितना जो एजुकेशन सिस्टम उसको आगे बढ़ाने के लिए ये एक है। और हमने टैबलेट का भी जिक्र किया तो स्मार्ट क्लास की जब हम बात करते हैं तो ये है। तो यहाँ पर बच्चों को पढ़ने में आसानी होती है, उसके बाद जो पढ़ाते हैं ना उसको भी पढ़ाने के लिए आसान होती है। तो इन चीज़ों को यहाँ पर जो है जो ललंस जो कोचिंग क्लासेस है इसको ध्यान में रखते हुए ताकि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं उनको असुविधा ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए
ये कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है या फिर हम ये कह सकते हैं कि ललन्स जो क्लासेस जो कोचिंग क्लासेस है इसमें बच्चों का सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर खोला गया है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आने वाला समय में अरुणाचल के जितने भी जो राजधानी क्षेत्र में जो लोग रहता है उन तमाम बच्चों के लिए जो क्लास 11, 12 में जो मेडिकल हो या फिर इंजीनियर के लिए जो मतलब आगे की पढ़ाई करना चाहता है तो ललन्स जो कोचिंग क्लासेस है यहाँ पर एडमिशन लेकर के आप अपने आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। हमने शुरू में ये बताया कि ललन्स जो कोचिंग क्लासेस है यहाँ पर जो लड़की बच्ची के लिए और उसके बाद लड़का के लिए अलग अलग सेपरेट जो है हॉस्टल भी खोला गया है और ये जो है दूसरा बैच अभी चल रहा है, फर्स्ट बैच तो हो गया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो फर्स्ट बैच में जो बच्चे थे उनको जो है जिन्होंने तोपर किया है जो स्टेट के लिए उसके बाद जो नेशनल लेवल में जो तोपर किया है उनको भी आज जो है यहाँ पर पुरस्कृत यानी सम्मानित किया गया है। हर स्टूडेंट का यानी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता है या फिर कहीं भी जो है अपना जो आगे की प्रिपरेशन करता है जैसे कि जेई के लिए हो या फिर नीट के लिए या फिर मेडिकल के लिए हो तो उसमें बच्चों का ये सोच रहता है कि जब भी नीट का एग्ज़ाम होता है फिर मेडिकल का एग्ज़ाम होता है फिर जेईई का एग्ज़ाम्स होता है उसमें एक हमेशा ये सोचता है कि हम जो है क्रैक करके या फिर टॉपर करके जो है आगे की पढ़ाई करेंगे। तो सबसे खुशी की बात है कि ललन्स जो कोचिंग क्लासेस है इनका फर्स्ट बैच था तो फर्स्ट बैच में हमें ये कवर मिला है कि कागो प्याकू ने जो है पूरा अरुणाचल यानी स्टेट में जो है फर्स्ट मेरे तोफर किया है। आप देख सकते हैं आज उसको जो है सम्मानित जो है ललन्स जो है कोचिंग क्लासेस के जितने भी जो यहाँ का फैकल्टीज है और जितना भी जो इसको चलाते हैं इन्होंने आज जो है इनको यानी कागो प्याकू को जो है आज जो है सम्मानित किया। आप देखेंगे यहाँ पर ये अरुणाचल यानी स्टेट में जो है तोपर यानी फर्स्ट रैंक है। अगर हम लोग ऑल इंडिया की जब बात करते हैं ऑल इंडिया रैंक यानी ST यानी जो शेड्यूल ट्राइब्स होता है उसमें जो है 32 रैंक तो ये अपने आप में हम लोग सोच सकता है कि पूरा नेशनल लेवल यानी ऑल इंडिया रैंक में जो है 32 आना एक ST मतलब जो हमारा जो ST की हम लोग बात करते हैं ST केवल अरुणाचल में नहीं है ST हर स्टेट में होता है तो ऐसे में लाखों की संख्या में लोग एग्जाम देते हैं जब हम लोग नीट की बात करते हैं या फिर मेडिकल या फिर जेई की जब बात करते हैं तो ऐसे में पूरा ओवरऑल इंडिया में जो है 32 रैंक आना ये अपने आप में ये साबित करता है कि यहाँ पर जो भी फैकल्टी जो पढ़ाते हैं बच्चों को इसका मतलब ये है कि अच्छा शिक्षा यहाँ पर दिया जा रहा है। आगे की जो पढ़ाई के लिए मतलब जो अभी तो फर्स्ट बैच हुआ है और ये सेकेंड बैच चल रहा है हम भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला समय में जो है ललन्स जो कोचिंग क्लासेस है ये जो है हमारे अरुणाचल जो खासकर जो राजधानी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं या फिर जो बाहर से आते हैं उनको जो है सही शिक्षा दे करके आने वाला समय में इस प्रकार का रैंक यानी स्टेट में या फिर नेशनल लेवल में हमारे बच्चों को इस प्रकार कंपिटिटिव में आ करके मतलब अपने आगे की पढ़ाई के लिए डॉक्टर हो या फिर इंजीनियर हो तो ऐसे में इस प्रकार का जो है आने वाला समय में बच्चों को जो प्रिपेयर करते हुए और वो जो है ऑल इंडिया लेवल में इस प्रकार का अगर रैंक आता है तो सभी अरुणाचल को जो है गर्व होना चाहिए। ये अपने आप में एक मिसाल पेश करता है कि किस प्रकार से इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में यानी ललन्स जो कोचिंग क्लासेस है यहाँ पर बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाता है ये अपने आप में एक मिसाल पेश करता है, एक उदाहरण पेश करता है कि फर्स्ट यानी फर्स्ट बैच में तोपर करना इसको आप समझ सकते हैं। आज यहाँ पर जो है कागो जो क्याकू है इसको जो खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सम्मानित करते हो उनको आगे की जो पढ़ाई के लिए इन सभी जो जितना भी फैकल्टीज है और जिनका परिवार वाले लोग आए थे और उनको जो है आशीर्वाद दिया है कि आने वाला समय में इस प्रकार का पढ़ाई करते हुए आपको यानी स्टेट का नाम को रोशन करना है और देश का नाम को रोशन करना है और कहीं भी यानी अब डॉक्टर होता है या फिर इंजीनियर होता है तो एक अच्छा ऑफिसर बनके निकलेंगे इस प्रकार का दुआएं देते हुए आज उसको सम्मानित किया गया। और इस कार्यक्रम में और क्या काम हुआ और हमने कागो प्याकू से भी सीधा बात किया है और यहाँ के इंस्टीट्यूट के जितने भी जो डायरेक्टर है जो मालिक है उनसे भी बात किया और पेरेंट्स से भी बात किया उन्होंने क्या कहा देखते हैं ये रिपोर्ट। फैकल्टीज तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप कोई भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बोलने से तो उन लोग हम लोग को गाइड करने में बहुत मदद किया हमें जितना भी टीचर्स हैं तो शुरू से ही गाइड करते आए हैं तो उसका वजह से कहीं ना कहीं बहुत हेल्प मिला है हमको हर सब्जेक्ट टीचर्स बहुत अच्छा था। हाँ जैसे हम आगे बढ़ते किए तो हमको बहुत एक्सपोजर मिला है मतलब क्या क्या हो सकता है करियर अपॉर्चुनिटीज और ऐसे बहुत दूसरा देखने मिलता था कि ये कोई ये क्रैक कर दिया या कोई ये ऐसे किए तो उन लोगों को देख के बहुत मोटिवेशन मिलता था हमको भी तो तब से मोटिवेट होके हम खुद से कुछ मतलब ऐसे इंफॉर्मेशन खुद से गैदर करना शुरू किए कि कैसे होता है मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में कैसे पढ़ने से ठीक है या मार्किंग स्कीम क्या होता है ऐसा तो वहीं से मोटिवेशन तो अंदर से आया है खुद ही मोटिवेट किया खुद को और मेरा जो फैमिली है या टीचर्स है उन लोगों की बहुत सपोर्ट किया मेरा ये जर्नी में। मेरा ये था पढ़ने का एक फिक्स टाइम टेबल होता था हर दिन तो जब टाइम टेबल एक फिक्स होता है तो ऐसे
कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में बहुत मदद मिलता है, क्योंकि उस टाइम में हम लोग को पढ़ाई के अलावा कुछ अलग चीज़ याद आता ही नहीं है और आदत हो जाते हैं मतलब पढ़ने का। मैं इस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर होने का नाता मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ और मैं कागो पियांको को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक नया इंस्टीट्यूशन को एक टॉप में ला दिया है। इनको इनका जो अरुणाचल प्रदेश में नीट 23 का नंबर वन लिस्ट में आया, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम को ऊँचा कर दिया है। जितना भी टीचर्स है हाईली क्वालिफाइड हाईली एक्सपीरियंस टीचर लोग को हम लोग यहाँ लेके हम लोग लगा है और हम लोग पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल केयर हम लोग दे रहे हैं इंस्टीट्यूट में कि हम लोग बोर्डिंग में रख के उसका मतलब एवरी टाइम उनका साथ में मेंटर रख के करता है। तो हम लोग थोड़ा सा सबसे हट के एक यूनिक हम लोग मतलब एजुकेशन देने का हम कोशिश कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले हम डे वन से आइडेंटिफाई करते हैं बच्चे का लेवल को, कि बच्चे का लेवल कहाँ है, उसकी कमियाँ कहाँ हैं, उसका लेवल को आइडेंटिफाई करके उसके बाद हमारे जो फैकल्टीज़ हैं फुल टाइम फैकल्टीज़ हम रखते हैं इस इंस्टीट्यूट में और जो हमारे फैकल्टीज़ दिन में 4 से 5 बैच ही पढ़ाते हैं, बाकी वो प्रिपेयर करते हैं कि बच्चों को किस तरीके से हम गाइड करें। तो इसमें बच्चों का डाउट्स किस एरिया में उसको आइडेंटिफाई टीचर करता है, उस डाउट्स को क्लियर करने पर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और टॉपर बच्चों के साथ हमारा स्ट्रेटजी अलग होता है इंस्टीट्यूट में फैकल्टीज़ का, एवरेज लर्नर्स के साथ अलग होता है और स्लो लर्नर्स के साथ अलग होता है। सो टॉपर जो लर्नर्स हैं वो लोग बहुत फास्ट लर्नर्स होता है, तो फास्ट लर्नर्स को हमको आइडेंटिफाई करना होता है उनका एरिया जहाँ है, गैप कहाँ है और उनको विदाउट वेस्टिंग टाइम डाउट्स को क्विकली हम क्लियर करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है टाइम मैनेजमेंट, सेकेंड टेक्निक्स, थर्ड क्वेश्चन पेपर, डेली प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करना और बच्चों को मोटिवेटेड रखना। कि कई बार हम देखते हैं एंट्रेंस लेवल पे बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं और बहुत परफॉर्मिंग बच्चे भी नहीं कर पाते हैं, तो मैं कागो पियांको को लेकर आई विल कॉन्ग्रेचुलेट कि इन्होंने अपना स्ट्रेस लेवल को एकदम मेंटेन करके रखा है और बड़ा एंजॉय किया पढ़ाई में। अभी आपने देखा शी हैज़ ब्रीफ कि एक महीने पहले उनका कंप्लीशन हो गया तैयारी पढ़ाई का, उसके बाद शी हैज़ एंजॉयड एंड शी हैज़ वर्कड मोर हार्डर। सो पढ़ाई को जब हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को बिना स्ट्रेस ज़्यादा लिए उसको बैलेंस तरीके में करवाने के टीचर का भी बहुत योगदान होता है और बच्चे का भी इक्वली इम्पॉर्टेंट योगदान होता है। आजकल के युग में बच्चा इंटरनेट के ज़माने में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत वाइड है, अब कई बार बच्चा उसमें थोड़ा उलझ जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, चिल्ड्रन गेट कन्फ्यूज। तो इसमें इंस्टीट्यूट का और फैकल्टी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंटरिंग और मॉनिटरिंग जो सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि बच्चा कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है। और पूरे सब्जेक्ट्स को हम तीन कई हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तो पोर्शन बाय पोर्शन हमारे पास हमारा ललंस में नॉट ओनली फैकल्टीज़ हमारा मेंटर्स भी है जो कोटा से हैं, कई 25-30 ईयर्स एक्सपीरियंस, वो टीचर्स को भी मॉनिटर करते हैं और टीचिंग प्लान को भी मॉनिटर करते हैं। तो इसमें बच्चों को मैं यही एडवाइस दूंगा कि उनको कंफ्यूज नहीं होना है, उनको फोकस होना है और जहां कंफ्यूज होते हैं उन्हें फैकल्टी से एडवाइस लेना चाहिए। रैदर 10 मीडिया में जा, 10 चैनल्स में जा, यूट्यूब में जाके, फेसबुक में जाके कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे को, बच्चा कॉन्फिडेंट होना है पढ़ाई करने और उसको मालूम होना चाहिए मुझे क्या चाहिए, टॉपिक बाय टॉपिक उनको क्लैरिटी और टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चा एक बार कंप्लीट करके उसको रिविजन करे, सो अगर बच्चे ने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया, करिकुलम मैपिंग अच्छे से कर लिया और ऑटोमेटिक सब्जेक्ट के ऊपर उनका कॉन्फिडेंस बनेगा। सो इट्स ऑल अबाउट गाइडेंस। सो बच्चे का अलग अलग लेवल है, काउंसलिंग, मेंटरिंग, मॉनिटरिंग आर द की कोर कंपोनेंट्स। माय कंग्रेचुलेशन गोज टू मिस कागो पियांको फॉर बीइंग यू नो फर्स्ट फ्रॉम द ललन इंटीग्रेटेड ग्रुप्स टू क्लियर दिस नीट एग्जामिनेशंस एंड सेकेंडली माय हार्टेस्ट कंग्रेचुलेशन गोज टू द ललन्स ग्रुप एंड इंटीग्रेटेड स्कूल्स। इफ आई नॉट रॉन्ग दिस इज द फर्स्ट पर्सन from the Lalan group that in form of Ms. Kago Pianku has cleared to, you know, clear the NEET examinations. And to my understand, Lalan is quite new in terms of Arunachal Pradesh. I think it's first one. No? So having said that, I being a
parents of one of the parents of this Lalan Group students, and secondly, I am being serving in the Department of Higher and Technical Education, which is a nodal agency dealing with all those NEET examinations and then GE examinations. So I know it's not everybody's cup of tea to clear the such prestigious exams how Pianku has cleared. So again, I am extending my congratulations from the department side and from the parents and from the school side. And having said that, just I'd like to appeal the management team and the teaching faculties and management team of the Lalan groups to keep up the same spirit. And I think Kago Pianku is the icebreaker. So by clearing the NEET exemption from Lalan group. So I hope in the days to come also, all the faculties members, all the management teams, and students, through the help of the parents, will keep up the same spirits. And only I can say is the best wishes to all the teams. Thank you.